हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफिनेशन वगैरह लिखने के लिए, एग्जाम्पल वगैरह लिखने के लिए, कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन डिफाइन करिए, और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए, हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड चेन से, कि फूड चेन बोलते किसे हैं। तो क्योंकि है फूड चेन, एक चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो चेन के फॉर्मेशन में क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ होगा। एक चेन का फॉर्मेशन बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ होगा। तो यहाँ हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सभी चीज़ें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ओमनिवोर्स में एग्जांपल, तो आप लोग वहाँ पे पीकॉक और मैन को इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, पीकॉक और मैन को ओमनिवोरस वाले एग्जांपल में इंक्लूड कर लेना है। तो आइए हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं फूड चेन का। तो फूड चेन होता क्या है, फूड चेन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट एक सीरीज में, एक चेन में, जिसमें उसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म वन इज ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज ईटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म इन द सीरीज। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम लोग एक बनाए अरेंजमेंट करें ऑर्गेनिजम्स का ए बी सी में, तो इनमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरा वाला खा रहा है। ठीक है, या पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे वाले के द्वारा खाया जा रहा है और दूसरा वाले को फर्दर जो सीरीज का जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो उसको ईट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फूड चेन बोलेंगे। कहने का मतलब ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से, जिसमें कि एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसी सीरीज का, उसी चेन का। ठीक है, ये हो गया क्या, फूड चेन। अगर फूड वेव को पढ़ने से पहले हम लोग ट्रॉफिक लेवल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे हम लोग आगे, तो आखिर होता क्या है ट्रॉफिक लेवल। तो एक पूरे फूड चेन में जो सिंगल स्टेप है, जो एक स्टेप है, उसको पार्टिकुलरली हम क्या बोलेंगे, उसका फूड ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यह एग्जांपल समझते हैं, इसी एग्जांपल से, जो ए बी सी तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ए ऑर्गेनिज्म, बी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म सी। तो जो ए वाला है ये पहले ट्रॉपिक लेवल पे है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, एक स्टेप। अगले स्टेप में बढ़ेंगे दूसरे वाले में, सेकंड स्टेप, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। इसके आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में, तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। कहने का मतलब कि एक फूड चेन में जो एक एक स्टेप पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको प्लेस कर दिया गया है, उन एक एक स्टेप को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखें, ग्रास, ग्रास को खा रहा है गोट और गोट को खा रहा है लायन। ठीक है, हम लोग तीन ही में यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। तो आप लोग को यहाँ देखने में क्या मिल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का क्या सीरीज है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सीरीज। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म है और ये भी ऑर्गेनिज्म है। वेयर वन इज ईटन बाय द अदर, वन इज ईटन बाय अदर। ग्रास को कौन खा रहा है, गोट, एंड द अदर इज ईटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म इन द सीरीज। और इस अदर वाले को कौन खा रहा है, लायन है कि सीरीज का, इसी सीरीज का, इसी चेन का, सेम सीरीज ऑफ सेम चेन हम लोग वहां लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रास है ये ट्रॉपिक लेवल है, गोट है वो ट्रॉपिक लेवल है, लायन है वो ट्रॉपिक लेवल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इससे, एक कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन यह बनता है कि जितना भी स्टेप होगा एक फूड चेन में,
एक फूड चेन में जितने भी स्टेप्स होंगे, एक हो, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने भी स्टेप्स हो, ठीक है, उतना ही ट्रॉफिक लेवल होगा उस फूड चेन का। एक फूड चेन में जितने स्टेप्स होंगे, ए को बी खा रहा है, बी को सी खा रहा है, सी को डी खा रहा है, चार स्टेप्स हुए, ए बी सी डी, तो ट्रॉफिक लेवल कितने होंगे, चार होंगे। मतलब नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन एन फूड चेन, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फूड वेब को डिफाइन करते हैं। फूड वेब क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को, वेन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट फूड चेन, ठीक है, हम लोग तीन फूड चेन पहले यहां बना लेते हैं, ग्रास, ग्रास को रैबिट, रैबिट को स्नेक, स्नेक को ईगल। ये हो गया हमारा पहला फूड चेन, ग्रास, गोट, लायन, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, इसको रहने देते हैं, इतना ही हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने तीन फूड चेन को अलग अलग पार्टिकुलरली कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। पहला क्या है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। दूसरे को एग्जांपल लेते हैं अगर, तो ग्रास को गोट, गोट को लायन। थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं अगर, तो ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को बर्ड, बर्ड को स्नेक, ठीक है। अगर हम लोग इन, इसमें कितना ट्रॉफिक लेवल है, इसमें अगर बात करें तो TL इज इक्वल टू एक, दो, तीन, चार, चार ट्रॉफिक लेवल है। आप इसमें बताइए इसमें कितना होगा, कितना स्टेप्स है, तीन स्टेप्स है, तो ट्रॉफिक लेवल कितना होगा, थ्री। इसमें कितना होगा, वन, टू, थ्री, फोर, तो ट्रॉफिक लेवल कितना होगा, ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल टू फोर, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखें इसी में, तो अगर हम लोग इस, हम लोग लेवल कर लेते हैं टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, इस तरीके से टी वन, टी वन, टी वन, टी टू, टी टू, टी टू, टी थ्री, टी थ्री, टी थ्री और टी फोर, टी फोर। हम लोग इनके ट्रॉफिक लेवल को, अलग अलग फूड चेन है तीनों, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के ट्रॉफिक लेवल को एक दूसरे से लिंक कर देंगे। कैसे कर सकते हैं, रैबिट है, गोट है, स्नेक है, बर्ड को स्नेक भी खा सकता है, इंसेक्ट को स्नेक खा सकता है, रैबिट को बर्ड खा सकती है अगर हम लोग यहाँ रख दें तो, या लायन है, मतलब यहाँ पे हमको समझने का क्या मतलब है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन के डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है, तीन फूड चेन है ए बी सी, उसमें अलग, उसका एक अलग ट्रॉपिक लेवल होगा, सबका अलग ट्रॉपिक लेवल होगा, अगर हम लोग उसको एक दूसरे से लिंक कर दें, बहुत सारा फूड चेन को जब हम लोग एक दूसरे से लिंक कर देंगे तो क्या बना देगा, फूड वेब बना देगा। सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, When different tropic levels of different food chains are linked together, they form food web. Different food chain को हम लोग लिंक कर देंगे तो क्या बना देगा वो, फूड वेब। हम लोग इसको इसी लेक्चर में फर्दर क्या करेंगे, और अच्छे से एक चार्ट बनाएंगे फूड वेब का इधर और फूड चेन का इधर, और समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। तो तब तक आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नोट करिए, आइए अब लोग हम आगे, हम लोग अब आगे देखते हैं
कि हम लोग फूड चेन और फूड वे में डिफरेंसेस, ठीक है। तो आइए हम लोग अगर फूड चेन की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सीरीज में अरेंज करेंगे, ठीक है। और फूड चेन बहुत सिंपल होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। और बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अगर हम लोग पहले फूड चेन की यहाँ पर बात करें, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो हमारा उससे पहले हम लोग आइए एक टॉपिक देख लेते। पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तीन दो कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक होता प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर्स। तो एक फूड चेन या फूड वेब में आप लोग एक बात समझ लीजिए कि फूड चेन और फूड वेब आखिर रिक्वायर्ड क्यों है इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए। क्यों रिक्वायर्ड है फूड चेन और फूड वेब, आप खुद बताइए। सबसे प्राइमरी जो होता है, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म या सबसे जो प्रिमिटिव लेवल में जो प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होगा नहीं तो फूड बनेगा नहीं, और अगर फूड नहीं बनेगा तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फूड वेब का जरूरी है, फूड चेन भी इसलिए रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिक्वायर्ड है, मोस्ट रिक्वायर्ड, बहुत इसेंशियल है, मोस्ट इसेंशियल। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स क्या थे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब कंज्यूमर में हम लोग क्या बात करेंगे कि वैसा कंज्यूमर जो सीधे प्लांट को डायरेक्टली ईट कर रहा है, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर्स उनको बोलेंगे जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो जैसे कि कंज्यूमर्स की बात करें, अगर प्रोड्यूसर में, तो प्लांट, सो सिंपल। किसी भी फूड चेन या फूड वे में सबसे बेसिक पे कौन होगा, प्रोड्यूसर। एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। दूसरी बात क्या हो सकती है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर में पहला क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो अभी हम लोग कंज्यूमर की बात करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर में सबसे पहला होगा क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हमारा जो होगा वो T1 पे होगा, मतलब ट्रॉपिक लेवल 2 पे होगा। प्लांट सबसे बेसिक है तो कहाँ होगा, ट्रॉपिक लेवल 1 पे, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स। हम लोग किसी भी फूड चेन के अगर हम लोग स्टार्टिंग से बना रहे हैं उसको, तो हम लोग सबसे बेसिक जो T1 लेवल पे होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूसर। T2 पे क्या होगा, प्रोड्यूसर के ऊपर, जो प्रोड्यूसर को खाएगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो इसके ऊपर होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स T2 के बाद कहाँ, T3, मतलब थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर पे कौन से रहेंगे, प्राइमरी कार्निवोर। क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जो सबसे टॉप पे होगा वो क्या होगा, टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर। T3 के बाद जो सबसे लास्ट होगा वो क्या होगा, T4, ये होगा सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है, हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। अगर हम लोग एक फूड चेन को बताएं, फूड चेन को बनाएं,
सबसे बेसिक जो सबसे प्रिमिटिव लेवल पे, सबसे प्राइमरी लेवल पे कौन होगा? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्लांट, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे उसको, आप लोग लिखते रहिए प्रोड्यूसर, बगल में लिख दीजिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ब्रैकेट में T1। प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर को कौन ईट करेगा? कंज्यूमर, कंज्यूमर सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर T2 लेवल में, मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? हर्बीवोर्स को बोलेंगे। एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, रैबिट, रैट, गोट, काऊ एट्सेट्रा, ये सारे हर्बीवोर्स में आएंगे। तो ये सारे कहाँ होंगे? T2 में प्लेस्ड होंगे, मतलब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा? प्राइमरी कार्निवोर, जो कि हर्बीवोर्स को ईट करेंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? फॉक्स, उल्फ, स्नेक, ये सभी क्या होंगे? प्राइमरी कार्निवोर, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में होंगे। सबसे लास्ट, सबसे टॉप, जो सबसे एडवांस है वो क्या होगा? सेकेंडरी कार्निवोर, मतलब टॉप कंज्यूमर, उनको बोलेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, उनको हम लोग प्लेस करते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें तो हम लोग आ सकते हैं उसमें ह्यूमंस, लायन, टाइगर, ये सभी क्या है? टॉप कंज्यूमर है, सबसे उच्च डिग्री के कंज्यूमर है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, आप लोग इसको लिख सकते हैं एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब हम लोग यहां देखते हैं, ग्रास है, प्रोड्यूसर है, T1 पे होगा, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा। ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? रैबिट कर रहा है। रैबिट हमारा क्या है? T2 लेवल पे है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या लिखेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को कौन कंज्यूम कर रहा है? फॉक्स। फॉक्स हमारा क्या है? T3 पे है। तो फॉक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन कंज्यूम कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर T3 है, क्या लिखेंगे? प्राइमरी कार्निवोर है। फॉक्स हमारा कहाँ आ गया? प्राइमरी कार्निवोर में आ गया। और फाइनली जो फॉक्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो लायन कर रहा है, तो ये हमारा T4 पे आ गया। उसी तरीके से ग्रास को इंसेक्ट T1, T2, T3, T4। ये जो हमारा लास्ट वाला है फाइटोप्लैंकटन वाला, ये हमारा एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल है, एक्वेटिक फूड चेन। बाकी का जो दोनों है वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन, मतलब ये वाटर में है और ये दोनों लैंड पे हो रहा है ऐसा। अब हम लोग इसकी बात करें, फूड वेब की बात करें, तो फूड वेब में हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, दूसरे से लिंक कर देंगे, इंटरलिंक कर देंगे, वो क्या बना देंगे? फूड वेब बना देंगे। हम लोग यहां देख लेते एग्जांपल से। सबसे पहले हमारा क्या है? प्लांट्स, T1, ठीक है, क्या है? T1 प्लांट्स, प्रोड्यूसर से। प्लांट को कौन कौन ईट कर सकता है? प्लांट को रैबिट भी कर सकता है, इंसेक्ट भी कर रहा है, तो हम लोग इन सबको इंटरलिंक कर दिए। प्लांट को कौन कर रहा है? इंसेक्ट भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, गोट भी, डियर भी, रैट भी, तीनों सब खा सकते हैं प्लांट्स को। ये सभी तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से, हम अलग अलग फूड चेन से हम लोगों ने, ये अपना अलग फूड चेन है, ये अपना अलग फूड चेन है, ये अपना अलग फूड चेन है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? फूड चेन को इंटरलिंक कर दिया है। तो ये सभी क्या है? T2 लेवल पे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। ये किस लेवल पे हैं? T2 लेवल पे हैं। ये मैंने साफ भी बना दिया, चलिए T2 लेवल पे हैं। अब इंसेक्ट को फर्दर कौन ईट कर सकता है? अगर इस फूड चेन की बात करें सबसे ऊपर वाले की, तो इंसेक्ट को फ्रॉग ईट करेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा फूड वेब में कि हम लोग बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल को एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक और संभावना क्या बनती है? इंसेक्ट को स्नेक भी ईट कर सकता है, ठीक है, रैट को इंसेक्ट भी ईट कर सकता है, रैट को ईगल भी ईट कर सकता है, स्नेक को ईगल ईट करेगा, फ्रॉग को ईगल ईट करेगा। मतलब हम लोगों ने बहुत सारे फूड चेन्स को
कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बना दिए, सब मिलके फूड वेब बना दिए। तो फूड वेब में यही था, आप लोग इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको बना सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा सर्कुलर साइकिल के फॉर्म में बनाइएगा तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने इस तरीके का बना दिया। सबसे टॉप में कौन बच रहा है, ईगल, पीकॉक, लायन, इनको खाने वाला कोई नहीं है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, टॉप कार्निवोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टॉप कार्निवोर्स हो जाएंगे, मतलब टॉप कंज्यूमर्स हो जाएंगे। हो सकता है कभी कभी यहीं तक फूड चेन ख़त्म हो जाए, फॉक्स तक ही हो सके, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा उसके वो क्या होगा, सबसे टॉप लेवल पे होगा उस फूड चेन के लिए। अगर हम लोग डिफरेंस देखें यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब में, तो हम लोग एक पॉइंट क्या नोटिस कर सकते हैं कि फूड चेन में तो एक ही ऑप्शन है, ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट, वरना कोई नहीं खाएगा। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर फूड चेन की बात करें तो ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट, वरना कोई नहीं खाएगा। रैबिट को सिर्फ कौन खाएगा, फॉक्स खाएगा, या रैबिट मर जाएगा। फॉक्स के लिए क्या प्रेजेंट है, सिर्फ रैबिट प्रेजेंट है, और रैबिट के लिए क्या है, सिर्फ ग्रास प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो ट्रॉपिक लेवल प्लेस है उसके लिए सिर्फ एक च्वाइस है, बहुत कम च्वाइस है, जो च्वाइसिस का जो लिमिट है वो एक से लेकर मैक्सिमम एक ही है, दो हो नहीं सकता है, दो हो जाएगा तो फिर तो फूड वेब हो जाएगा। क्या एक ही है, बहुत लिमिट में उसका च्वाइस है उसके लिए। लेकिन हम लोग फूड वेब में बात करें अगर, तो अगर पीकॉक को मन किया आज कि चलो भैया हम लोग बहुत दिन से घास खा रहे हैं, हम लोग फ्लेश खाएंगे, तो पीकॉक प्लांट को ना खा करके क्या खाएगा, स्नेक खा लेगा, बोलेगा स्नेक बहुत दिन से खा रहे हैं हम लोग, हमको स्नेक भी नहीं खाना है। ईगल बोलेगा क्या, चलो बहुत दिन से चूहा खा लिया हमने, रैट खा लिया, बहुत फ्रॉग खा लिया हम लोगों ने, अब हमको इंसेक्ट, सांप खाना है हमको। तो ईगल क्या करेगा, अब स्नेक की ओर हंटिंग करेगा। मतलब हम लोग के यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा च्वाइसेस है कंज्यूम करने के लिए। तो लोग फूड चेन में लिख सकते हैं कि फॉर कंज्यूमर्स देयर इज ओनली वन च्वाइस और अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ च्वाइस ऑफ फूड फॉर देयर कंजम्पशन। बट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ फूड वेब, फूड वेब के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकते हैं कि अ कंज्यूमर हैज मोर देन वन और मोर च्वाइसेज ऑफ कंज्यूमर्स टू फॉर द कंजम्पशन देन फूड चेन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये बातें। अब इसमें एक पॉइंट आता है हीट एनर्जी वगैरह का, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस होता है, 1% यूज होता है, तो इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ताकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आखिर ये 20-22 मिनट की वीडियो हो गई है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए आप लोग सिर्फ इसमें फूड वेब और फूड चेन पढ़ें, ताकि क्लियर तरीके से माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए जो कि कन्फ्यूज़न ना हो आगे। अब एक ही वीडियो में बहुत सारा लिंडमैन 10% लॉ भी बता दूंगा, एनर्जी फ्लो इन डायरेक्शन बता दूंगा, तो ये सभी चीज़ें दिमाग में घुल मिल जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उससे बेटर है कि सिर्फ इतना ही पढ़ें अभी हम लोग, बाकी जो एनर्जी फ्लो वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फूड चेन या फूड वेब का जरूरत ही क्यों है, ताकि एनर्जी का फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे ऑन द चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।